मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे में इंडियन बैंक शाखा और मनी ट्रांसफर की दुकान में चोरों ने ताले तोड़कर लॉकर में रखी लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। जैसे ही सुबह मिनी बैंक संचालक शाखा पर पहुंचा, शटर टूटा देख उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल मामला बुढ़ाना कस्बे के थाना निरंजन मार्केट का है, जहां स्थित इंडियन बैंक की शाखा और मनी ट्रांसफर की दुकान पर शनिवार देर रात्रि चोरों ने शटर के ताले काट कर लॉकर में रखे 3,32,000 रुपए की नकदी को चुरा कर इलाके में सनसनी फैला दी। सुबह जब बैंक शाखा को खोलने के लिए शाखा संचालक संदीप कुमार दुकान पहुंचे, तो उन्हें शटर के ताले कटे हुए मिले, जिसके बाद सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए तहरीर के आधार पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। रात दुकान बढ़ा के गए थे 8:15 बजे, सारा कैश दुकान में था, 3,32,000 रुपये काले सिलेंडर से काट के और दराज वराज फाड़ के सारे निकाल गए। आप किस चीज़ से कार्य करते हो यहाँ पे, क्या किसी शाखा है आपके पास? इंडियन बैंक और मनी ट्रांसफर। अब पुलिस आई है, मामले जांच जुटी है, क्या कर गया पुलिस? पुलिस फोटो वोटो खींच गई थी, बाकी इंक्वायरी करेगी कितना पैसा था कितना नहीं, रिकॉर्ड देखी, मेंटेन बताया, मेंटेन है रिकॉर्ड मगर यहाँ एक पैसे का मेंटेन है। थाना बुढ़ाना कस्बा बुढ़ाना में श्री संदीप कुमार का मिनी बैंक है, इसमें फोटोकॉपी की शॉप भी है और रेलवे टिकट का रिजर्वेशन भी करते हैं। कल रात अज्ञात चोरों द्वारा इनके ताले काट कर उसमें से इनके बताए अनुसार 3,21,000 रुपये चोरी हुए। इसके परिप्रेक्ष्य में FIR दर्ज करके दो टीमें घटना के अलावा हेतु लगा दी गई।